संसद में नरेंद्र मोदी ने एक कविता पढ़ी, सूरज जाएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा, यहीं हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रज्जगों में। तुम उदास मत हो, अब मैं किसी भी सूरज को डूबने नहीं दूंगा। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कविता पढ़ी और प्रसंग था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए जवाब देने का। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तीखे तेवर सामने आए, उससे यह स्पष्ट हो गया कि अब वे लोकसभा चुनाव तक बेहद आक्रामक रहेंगे। उन्होंने यह कहा कि राफेल से लेकर रोजगार तक, नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक न सिर्फ हर मुद्दे का जवाब दिया, बल्कि कांग्रेस के 55 साल बनाम मोदी के 55 महीने का आंकड़ा देते हुए यह भी कहा इन वर्षों में ही देश को सही दिशा भी मिली और गति भी। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे पहले भ्रष्टाचार करने वालों को मोदी से डरना होगा। यह बयान खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ को कांग्रेस राजनीतिक हथकंडा बता रही है और इधर कुछ दिन पहले ही कोलकाता में ममता बनर्जी ने भी पुलिस कमिश्नर के बचाव में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा किया था। मोदी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जांच न सिर्फ चलती रहेगी बल्कि चुनाव में भी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहेगा। महागठबंधन को उन्होंने महामिलावट करार देते हुए कहा कि कांग्रेस भी इसमें भागीदार बन रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस शासन काल में एक भी रक्षा सौदा बिचौलियों के बिना नहीं हुआ। अब राजदार पकड़े जा रहे हैं तो उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं क्योंकि पकड़े जाने का डर सता रहा है। बेनामी संपत्ति कहां कहां बनाई, इसकी जांच हो रही है तो बोखलाट में सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन इसमें कोई सुस्ती नहीं आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राफेल मामले में कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा राफेल पर उठाए गए हर सवाल का जवाब दिया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है, लेकिन कांग्रेस चाहती है सौदा रद्द हो जाए। वह नहीं चाहती कि वायुसेना मजबूत हो, वरना उसे समर्थ लड़ाकू विमान देने का फैसला क्यों नहीं किया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बीसी का मतलब है बिफोर कांग्रेस कुछ भी नहीं हुआ और एडी का मतलब आफ्टर डायनेस्टी जब सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा घमंड ने ही कांग्रेस को 400 से 44 पर लाकर खड़ा कर दिया और कुछ लोग तो थोक के भाव में बेल पर हैं। कुछ लोगों की बड़ी बड़ी संपत्तियां बाहर आ रही है। उन्होंने कहा काले धन पर हम प्रतिबद्ध हैं और कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी के बाद 3 लाख फर्जी कंपनियां बंद हो गई और विदेशों से पैसा लेने वाले 20,000 संगठन बंद किए गए, भ्रष्ट लोगों के धंधे बंद किए गए और यही लोग सरकार को गाली दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कांग्रेस जब भी आई महंगाई लेकर आई और इंदिरा जी के समय महंगाई मार गई गाना लिखा गया, मनमोहन सरकार में महंगाई डायन गाना लिखा गया, कांग्रेस को खत्म करने का गांधी जी का सपना पूरा करेंगे, इस बात को भी उन्होंने दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि देश से पैसा लेकर भागने वाले ट्विटर पर रो रहे हैं और 55 महीने में 1.30 करोड़ मकान बनाने की उपलब्धियों का भी उल्लेख उन्होंने अपने भाषण में दिया। कांग्रेस को जीएसटी पर बोलने का हक नहीं, यह बात भी उन्होंने कही और सबसे बड़ी बात यह कही 99% चीजों पर टैक्स 18% से कम हो गया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को गरीबों के लिए वरदान भी बताया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।